डबलेपुर गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक किसान और दूसरा शहर से आया हुआ था जो गांव में फसलों के ऊपर रिसर्च करता और गांव वालों को फसलों की बीमारी और इन पर लगने वाले कीड़ों के बारे में बताता था। एक का नाम दीनू और दूसरे दोस्त का नाम अनस होता है। किसान अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, साथ इसका दोस्त अनस फसल उगाने के नए नए तरीके बताता था। दोनों दोस्तों में बहुत मोहब्बत थी। किसान की बीवी घर के काम काज करती थी। वो अक्सर किसान के साथ लड़ती थी कि तुम्हारा दोस्त अनस शहर का है और शहर के लोग ठीक नहीं होते, मतलबी होते हैं। किसान टाल मटोल करके बात को ख़त्म कर देता। गांव में टंडोरा नामी एक और किसान रहता था। इसे दीनू और अनस की दोस्ती से बहुत हसद होती थी। वो दीनू की फसल को देख कर चलता था। वो दीनू की बीवी को अक्सर भड़काता था, ये शहर के लोग ठीक नहीं होते, ये तुम्हारे सारे गांव का अनाज और फसल बर्बाद कर देंगे और तुम बहुत नुकसान उठाओगे। किसान की बीवी किसान से लड़ती। किसान इसको एक ही बात करता, वो मेरा दोस्त थे, मुझे पता है। एक दिन किसान का दोस्त अनस की मुलाकात ठंडोरे से हो जाती है। ठंडोरा सोचता है मौका अच्छा है, क्यों ना आग लगाई जाए। वो इस दोस्त को दीनू के बारे में झूठ मूठ की बातें कर देता है। शाम के वक्त दोनों दोस्त इकट्ठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। इनको पता लगता है कि ढंडोरे की तबीयत खराब हो गई है। अनस ढंडोरे के लिए डॉक्टर को लेकर आता है, दवाई वगैरह देता है। इस पर ढंडोरा शर्मिंदा हो जाता है। एक दिन ढंडोरा देखता है कि इसकी फसलें दीनू की फसलों से बहुत अच्छी हो गई हैं। जैसे ही दीनू इस किसान की तरफ आता दिखाई देता है, वो इसे कहता है, मेरी फसलें तो बिना स्प्रे के बहुत अच्छी हो गई हैं। तुम्हारा वो दोस्त ठीक नहीं, तुम्हारी फसलें बर्बाद कर देगा, इसे निकाल दो। दीनू ये सुनकर कहता है, जिस दोस्त की तुम बात कर रहे हो, इसने रात को चुपके चुपके मुझे तुम्हारी फसल पर दवाई टलवाता रहा है, जिससे तुम्हारी फसल अच्छी हुई है। प्यारे बच्चों, हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए।